नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालोद जिला का दल्ली राजहरा जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अभीहड़ पहाड़ियों व खनिज संपदा के कारण भारत भर में विख्यात है, पर यह नगर खेल की दुनिया में अलग पहचान बनाती है, क्योंकि इसी राजहरा नगर में वीर हनुमान सिंह अवार्डी हरिनाथ के अथक मेहनत व जुनून जज्बे से राजहरा नगर में 6 नेशनल व 30 स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है और मिसाल है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी राजहरा मंडल द्वारा ऐतिहासिक राज्य स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन खनिज नगर में किया और संपन्न हुआ, जहां 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 50 ऑफिशियल व कोच रहे। इस ऐतिहासिक मैराथन दौड़ में 6 लाख की नकद राशि इनामों के बीच में इस मैराथन दौड़ में सब जूनियर ग्रुप, सीनियर ग्रुप, मास्टर ग्रुप, नॉर्मल पैदल चाल, महिला व पुरुष शामिल थे। इस आयोजन के मुख्य अतिथि पवन साहू, जिलाध्यक्ष भाजपा कृष्णकांत पवार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवलाल ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता शीतल नायक, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा सुदेश सिंह, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष टोमन साहू, किसान नेता बालौद आरबी गहरवा, CGM राजहरा खदान श्री श्रीकांत ललित कलरकर थे। इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में राकेश द्विवेदी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजहरा मदन माइती, महामंत्री दिल्ली राजहरा मंडल महेंद्र सिंह, महामंत्री राजहरा मंडल ने ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लंबे समय के बाद राजहरा नगर में पैदल चाल चैंपियनशिप होने से राजहरा नगर में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने शिरकत की और राजहरा नगर खनिज की नगरी, खिलाड़ियों की नगरी लग रही थी। और आयोजन में दिल्ली राजहरा पुलिस थाना यातायात विभाग बालौद ने व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से बनाए रखकर इस आयोजन को सफल बनाया और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन साहू ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि मुझे दुख की ऐसे बड़े आयोजन में राज्य के खेल मंत्री को आना था, पर भविष्य में बड़े आयोजन होने से हमारी पूरी सहयोग रहेगी।